आप सभी का स्वागत है वैदिक भारत में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे फेमस पीपल जो वीर्य प्रतिधारण कर चुके हैं और अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करी है। हमारा इस वीडियो को बनाने का माध्यम है कि आप भी ब्रह्मचर्य करें और आपकी रुचि भी बड़े ब्रह्मचर्य के प्रति और आप भी देश में बड़ा व अच्छा कार्य कर सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है माइक टाइसन, बॉक्सिंग लीजेंड। इनका जन्म ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। यह पेशेवर मुक्केबाज है जिन्होंने 1985 से 2005 तक कंपटीशन खेले। अपने शुरुआती करियर में आयरन माइक और किड डायनामाइट का उपनाम लिया और बाद में द बेडेस्ट मैन के रूप में जाने गए। टाइसन को अब तक के सबसे अच्छे हैवीवेट मुक्केबाजों में से एक माना जाता है। उनका जो थॉट है वो सुनिए, आप वो क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य के प्रति। मैंने हमेशा पढ़ा है कि महान सेनानियों ने कभी भी फाइट या लड़ाई पहले सेक्स नहीं किया था और मैं एक युवा बच्चा था और मैं दुनिया का सबसे युवा हैवीवेट चैंपियन बनना चाहता था, इसलिए मैंने लगभग 5 साल तक खुद को सेक्स से रोका, तभी ताकतवर बना। सेकंड नंबर पर है एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स। इनका जन्म कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था, 1955 में, मृत्यु 2011 में। यह एक अमरीकी बिजनेस मैग्नेट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इन्वेस्टर। स्टीव जॉब्स अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और एप्पल के सह संस्थापक, पिक्सार के अध्यक्ष और बहुत शेयरधारक। पिक्सार के अधिग्रहण के बाद वाल्ट डिज्नी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य थे और संस्थापक चेयरमैन और सीईओ ऑफ नेक्स्ट। अब स्टीव जॉब्स के विचार बताते हैं वीर्य रक्षा पर। उस बिंदु तक हमारी जन्म नियंत्रण विधि स्टीव की सहवास की रुकावट थी, जिसे पुल आउट विधि भी कहा जाता है, जो उनके लिए काम के लिए उनकी ऊर्जा के संरक्षण के बारे में था। उन्होंने लिखा, उन्होंने समझाया कि वह चरमोत्कर्ष नहीं चाहते, इसलिए किसी की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं का संरक्षण करके शक्ति और धन का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है केनाई वेस्ट। इनका जन्म 1977 में हुआ था। यह एक अमरीकी रैपर, रिकॉर्ड निर्माता और फैशन डिजाइनर है। यह मुख्य धारा के हिप हॉप और सामान्य रूप से लोकप्रिय संगीत के 21वीं सदी के विकास में प्रभावशाली रहे हैं। यह 2020 का US प्रेसिडेंट चुनाव के कैंडिडेट भी हैं। इनके विचार सुनिए, वे कहते हैं, लोग मुझसे मेरी ड्राइव के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत कम उम्र में यौन संबंध बनाने की तरह है। उस ड्राइव को देखें जिसमें लोगों को सेक्स करना है। इस तरह की पोशाक पहनना और एक बाल कटवाना और 3 बजे ठंड में कलम में होना चाहिए वह स्थान जहां वे एक लड़की को लेने के लिए जाते हैं। यदि आप ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कुछ मूल्यवान इसे काम निरंतरता में डालें, तो कितने अच्छे विचार वो लिखते हैं। फोर्थ नंबर पर है निकोला टेस्ला। इनका जन्म 1856 को क्रोटिया में हुआ था। यह एक अमरीकी इन्वेंटर, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर एंड फ्यूचरिस्ट। इन्हें मॉडर्न अल्टरनेटिंग करंट AC इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम के डिजाइन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1896 में इलेक्ट्रिकल जर्नल में प्रकाशित लेख टेस्ला अपोज टू मैरिज में यह कहा था, मुझे विश्वास नहीं कि एक आविष्कारक को शादी करनी चाहिए क्योंकि उसके पास स्वभाव है और जंगली आवेशपूर्ण गुणों में इतना अधिक है कि खुद को एक महिला को देने के लिए जिसे वह प्यार करता है वह सब कुछ दे देगा और इसलिए अपने चुने हुए क्षेत्र से सब कुछ लेगा। मुझे नहीं लगता कि आप कई महान आविष्कारकों को नाम दे सकते हैं जो विवाहित पुरुषों द्वारा किए गए हैं। दोस्तों ये सब वो व्यक्ति है जो बहुत अच्छा अपना नाम कमा चुके हैं और सब विदेश के हैं। अगली बार जो हम फेमस पीपल सेवन इंटेंशन लाएंगे वो सब भारत के सन्यासी, साधु संत और महान महान व्यक्तियों के बारे में लाएंगे। कुछ व्यक्ति हमें कह रहे थे कि हमें जो विदेश के ब्रह्मचारी हैं उनके बारे में बताइए, उनके बारे में वीडियो बनाइए। जल्द ही हम जो भारत के साधु सन्यासी हैं उनके ऊपर भी वीडियो लाएंगे कि उन्हें कैसे ब्रह्मचर्य किया और क्या क्या उनके थॉट्स हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो बताओ दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछना।